from Iran, Raha Mirbegi. I am an actress by profession in Iran, and I've produced quite movies in Iran. And over here, we are like I started my own production house, and we are going to produce like web series and web films. And Mr. Shoaib is our EP over here in all over India and all over work. Mr. Kabir Khan is with us, and Mr. Ikram Akhtar as well. Like, we are working together, and we are going to start some new projects. And I have met Mr. Sanjay Dutt as well in my previous trip in Mumbai. So we are going to have a very big project with him. That name I will reveal after like some times. So we are working on it. It will take, might be 6 months or 7 months, because it's a very, very, very big project. Another is our web film is there, which is Akbar, and web series is there, which is Godfather. So we are working on that. जो स्ट्रगल करने आते हैं, तो उस किताब का टाइटल ही था बॉलीवुड का सफर, भूख से शुरू डाइटिंग पे खत्म। तो जो भी न्यू कमर आ रहा है, सबसे पहली बात तो ये उसको समझनी पड़ेगी। अगर वो ये बोलता है कि जी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको यही पूछता हूँ कि ट्राई करके मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बन के दिखा दो। ट्राई नहीं करना होता है। आप जो काम करने आ रहे हैं उसमें पहले परफेक्शन होना चाहिए आप। हम यहाँ अगर 50 करोड़ की या 25 करोड़ की फिल्म बना रहे, तो हम स्कूल थोड़ा खोल के बैठेंगे शूट पे कि हम आपको वहाँ एक्टिंग सिखाएंगे। नहीं, आप पूरी तरह से तैयार होकर आइए। अगर आपको अपना काम आता होगा और आपको काम नहीं मिलेगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ मैं बॉलीवुड छोड़ दूंगा। किसी भी इंसान को, एक को मुझे मिलाइएगा पूरे वर्ल्ड में से, जिसको अपना काम आता हो और उसको काम ना मिला हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, सृष्टि रॉन्ग हो जाएगी। कि अगर आपको अपना काम आता है, आपको काम 100% मिलेगा। खाली आईने ने झूठ बोल दिया, या चार घर वाले चढ़ा दिए, या मोहल्ले वालों ने बोल दिया जा बेटा हीरो बन जाएगा, और तुम बिना तैयारी के अगर आ गए, तो फिर घर जाके अपने बच्चों को सुनाया करोगे कि बेटा हम हीरो बनने गए थे। जी, बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बहुत ग्रेट थे वो। मैंने उनके बहुत सारे सीन्स चुरा चुरा के मतलब उनका काम ही इतना अच्छा था कि उससे इंस्पायर होके गोविंदा ने सीन किए, सलमान भाई ने किए, किसने नहीं किए उनके सीन। मेरी फिल्मों में अगर आप देखेंगे, तो आपको 2-4 सीन तो उमर शरीफ के ज़रूर मिलेंगे जो मैंने इंडियनाइज करके अपनी फिल्मों में यूज़ किए। जी सर, इतना बड़ा फ़ैन था मैं उनका। इनबॉक्स क्वेश्चन, रहम्स प्रोडक्शन जो बॉलीवुड की मूवीज़ बना रही है, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बॉलीवुड की मूवी से वो हॉलीवुड ट्राई करते हैं, लेकिन पहली बार सुना जा रहा है कि बॉलीवुड वाले आगे जो है टॉलीवुड को ट्राई करना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है आपका? देखिए, क्या है कि यहाँ की इंडस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज पूरे बॉलीवुड को एक तरफ रख लीजिए, तेलुगु की एक पिक्चर आ जाएगी, तमिल की आ जाएगी, वो अलग है। आज KGF कहाँ बनी है सर? आज KGF भी वही है ना। KGF कहाँ बनी? यहीं बनी है ना सर, बेंगलोर बनी सर। KGF 2 का लोग वेट कर रहे हैं। सोनू निगम ने सोनू सूद से कंपेयर किया। सोनू सूद दिल्ली दरबार पहुंच गए थे। एक्चुअली हम लोग अभी बॉम्बे में थे, लॉकडाउन खुला था नया, तो दिल्ली दरबार चले गए थे खाना लेने के लिए। तो गाड़ी से उतर के मैंने इनको बोला आप भी आ जाओ थोड़ा, क्योंकि तो बनते हैं, खाली टेक अवे मिल रहा था। तो पूरा स्टाफ जो है, क्योंकि मास्क लगाए थे, चश्मा लगाए थे, तो पूरा स्टाफ इनके साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाई, और किसी को ये पता नहीं चला कि ये सोनू सूद नहीं है। चश्मा हटा के भी की शुरुआत है, एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और इसी तरह से आप इनकी फिल्म प्रमोट कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, जिसमें अकबर, राइटर इकराम अख्तर, प्रोड्यूसर रहा फिल्म्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शोएब। तो बस यही आपका प्यार चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए प्लीज। हमारा आवर एक्टर एज वेल मिस्टर कबीर कबीर सर। या सो एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री यहां पे देते हैं। और क्या है, कनाडा ऐसी एक फिल्म इंडस्ट्री है जैसा कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, सेम जो है कनाडा फिल्म इंडस्ट्री है साउथ की, यहाँ की। तो हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए,
कनाडा फिल्म इंडस्ट्री वाले हम लोग को सपोर्ट कीजिए, इसीलिए हम प्यार बांटने के लिए आए। आने का यही मकसद है कि हमारा प्यार कनाडा फिल्म इंडस्ट्री से आए, उनका प्यार हम ले, हमारा प्यार वो ले। और जुन्नी को